वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। मैं हूँ मनीषा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू का हलवा। आलू का हलवा वैसे तो व्रत में ही बनाकर खाया जाता है, बट कभी भी अगर आपको मीठा खाने की याद आती है और कुछ भी नहीं है तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। व्रत के अलावा भी आप इसे कभी भी ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू का हलवा। आलू का हलवा बनाने के इंग्रेडिएंट्स, यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच घी, 5 काजू बारीक कटे हुए, 5 बादाम बारीक कटे हुए, 5 पिस्ता बारीक कटे हुए, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 कप मिल्क और 1/4 कप से थोड़ी कम चीनी। यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं पहले से बॉईल करके और उनको छील लिया है। अब हम आलू को ग्रेट करेंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। आलू ग्रेट हो गया, चलिए अब हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। यह मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच घी। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे। घी थोड़ा कम लग रहा है, 1/2 चम्मच और घी हम इसमें डालेंगे और आलू के हलवे को हम चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से सिक नहीं जाता और एक अच्छी सी खुशबू इसमें आना स्टार्ट नहीं हो जाती। आलू अच्छे से सेक चुके हैं और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। आलू का हलवा सेकने में हमें करीब 5 से 7 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, काजू, बादाम और पिस्ता तीनों डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। लास्ट में हम इसमें चीनी मिक्स कर देंगे। आलू का हलवा बनके तैयार हो गया है और इसे हमें बनाने में करीब 15 मिनट लगे हैं और अब हम इसे एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा आलू का हलवा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।